सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल साइन विद ग्रेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं एक ऐसे प्रोडक्ट का रिव्यू आपके लिए लेकर आई हूँ जिसे यूज़ करने से आपको पेनलेस वैक्स से छुटकारा मिल जाएगा। मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू आज आपके सामने करने वाली हूँ, ये है घर शॉप ब्रांड की तरफ से। घर शॉप साइट से आप इसे इजिली परचेज कर सकते हैं। मैंने इसे काफ़ी यूज़ किया है, उसके बाद मैं इस प्रोडक्ट का रिव्यू आपके लिए लेकर आई हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इतना इसे यूज़ किया है कि घर शॉप का लेवल भी यहाँ से हट गया है। लेकिन गाइज, मैंने सोचा कि पहले किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू करने से पहले मैं उसे अच्छी तरह यूज़ कर लेती हूँ, तभी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसे मैंने घर शॉप की साइट से ख़रीदा है। ये इस प्रोडक्ट के बारे में आज हम बात करेंगे, इसके बेनिफिट्स के बारे में और इसके प्रिकॉशन के बारे में। तो पहले बात करते हैं बेनिफिट के बारे में। सो गाइज, आप जानते होंगे कि हम अपनी अनवांटेड हेयर को निकालने के लिए बहुत सारी ट्रिक्स का यूज़ करते हैं। कई लोग वैक्सिंग का यूज़ करते हैं, कुछ लोग रेज़र का यूज़ करते हैं और भी तरह तरह की टेक्निक का यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो वैक्स पाउडर है, ये बिल्कुल पेनलेस है। इसे इस्तेमाल करने से आपके अनवांटेड हेयर तो निकलेंगे ही निकलेंगे, साथ ही साथ आपको पेनलेस वैक्स से भी छुटकारा मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस प्रोडक्ट के बेनिफिट के बारे में। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये बिल्कुल ट्रेवल फ्रेंडली है। आप देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा छोटा सा पाउच है इसका। इसे आप कहीं भी आसानी से लेकर जा सकते हैं और इसमें इतनी क्वांटिटी है कि 2 से 3 times आप अपनी फुल बॉडी का वैक्स इसके साथ कर सकते हैं। आप जानते ही हैं कि अगर आप एक बार अपनी बॉडी वैक्स कराने जाएंगे, फुल बॉडी वैक्स, तो वो 2000 से नीचे तो कॉस्ट करता नहीं है। तो ये जो है काफ़ी मुझे बेनिफिट लगा कि आप इतने से पाउडर से 2 से 3 times अपनी पूरी बॉडी का वैक्स कर सकते हैं। तो ये रहा इसकी बेनिफिट। इसकी अदर बेनिफिट ये है कि इसे मेल और फीमेल कोई भी यूज़ कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फीमेल के लिए, इसे मेल भी अपने अनवांटेड हेयर को निकालने के लिए कर सकते हैं। और इसको यूज़ करने से आपकी हार्ड हेयर ग्रोथ नहीं होती। जैसा कि आप जानते हैं, जब हम ट्रिमर के यूज़ करते हैं या फिर रेजर के यूज़ करते हैं अपने अनवांटेड हेयर को निकालने के लिए, तो अगली बार जो हेयर ग्रोथ होता है वो काफ़ी हार्ड और थिक होता है। पर जब आप इसका यूज़ करेंगे तो आपका हेयर बिल्कुल सॉफ्ट ही निकलेगा, जैसा पहले निकलता था। तो हार्ड हेयर ग्रोथ की समस्या तो आपके सामने नहीं आने वाली है। तो ये रहे कुछ फ़ायदे इस प्रोडक्ट के। अब चलते हैं आगे वीडियो में और देखते हैं कि इस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, इसे यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें एक ज़रूरत है एक बाउल की। इस बाउल में हमें इस पाउडर की क्वांटिटी को अपने अकॉर्डिंग, जहाँ भी आपको यूज़ करना है उस एरिया में, जितना भी पाउडर आप यूज़ करेंगे उसे अपने अकॉर्डिंग इसे बाउल में निकाल लेते हैं। मैं यहाँ 1 tablespoon पाउडर ले रही हूँ क्योंकि मुझे इसे हैंड में अपने शो करना है आपको। इसे लेने के बाद से हम इसमें नॉर्मल वाटर मिला सकते हैं। अगर आपके पास गुलाब जल है तो आप गुलाब जल भी मिला सकती हैं उसमें। इसे हमें इतना पानी मिलाना है कि ये एक पेस्ट की तरह बन जाए। ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, बस एक पेस्ट के फॉर्म में रहना चाहिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक पेस्ट की तरह बन गया है और एक पतला ही पेस्ट तैयार करना है, ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक पेस्ट बन गया है। तो इसे इस्तेमाल करने के लिए गाइज, आपको सबसे पहले ये इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप इसे इस्तेमाल करें तो अपने हैंड का यूज़ ना करें। इसे किसी ब्रश की सहायता से या फिर स्पून की सहायता से अप्लाई करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं स्पून की सहायता से ही अपने पूरे हाथ में इसे लगाऊंगी, जहाँ भी मुझे चाहिए कि मेरे अनवांटेड हेयर निकल जाएं। इस तरह से आपको अप्लाई कर लेना है। अपने अकॉर्डिंग आपको जितनी भी क्वांटिटी में चाहिए होगा आप उतनी क्वांटिटी में ले सकते हैं। इसे आप ब्रश की सहायता से भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ स्पून की सहायता से आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ। अगर आपके पास रोज़ वाटर है तो आप इसे रोज़ वाटर डाल के भी पेस्ट तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है नॉर्मल वाटर मिला के। तो इस तरह अप्लाई करने के बाद आप इसे ड्राई होने तक ऐसे ही छोड़ देंगे। 10 minutes कम से कम लगेगा इसे ड्राई होने में। तो अब मिलते हैं 10 minutes के बाद। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं पूरी तरह से पैड ड्राई हो चुका है। ड्राई होने के बाद आपको एक गीले टॉवल से इसे अच्छी तरह से वाइप ऑफ कर लेना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखें कि आप जिस भी टॉवल का इस्तेमाल कर रहे हो, अगर वो कॉटन का हो तो अच्छा रहेगा। आप इसे अच्छे से वाइप ऑफ कर लेंगे, पूरा प्रोडक्ट अपने हाथ से हटा लेंगे, जैसे कि मैं कर रही हूँ। इसे वाइप ऑफ करने में थोड़ा समय लग सकता है। आप देख रहे होंगे कि ये जो पूरे काले काले बाल निकल रहे हैं, ये जो काला काला दिख रहा है वो बाल ही है जो निकल रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इस तरह से अच्छे से वाइप ऑफ करने के बाद अभी आपको मैं रिजल्ट दिखाऊंगी, आप समझ पाएंगे, डिफरेंस कर पाएंगे कि कैसा रहा रिजल्ट। इसे अच्छे से
आपको वाइप ऑफ करना है। ये जो भी काला काला दिख रहा है आपको छोटा छोटा, शायद मेरा कैमरा कैप्चर कर पा रहा होगा, ये सारे बाल ही हैं जो निकल रहे हैं। तो फ्रेंड्स पहले इसे अच्छे से वाइप ऑफ करने के बाद फिर आप इसे कोल्ड वाटर से अच्छे से वॉश कर सकते हैं। वॉश करना ज़रूरी भी है क्योंकि प्रोडक्ट कहीं ना कहीं हाथ में लगा ही हुआ है। अच्छे से वाइप ऑफ करने के बाद मैं भी आपको फिर मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसे वॉश कर लिया है कोल्ड वाटर से, अब आप देख सकते हैं कि मेरा कोई भी बाल यहाँ दिख नहीं रहा है, सारे हेयर ईजिली रिमूव हो गए हैं। इसे रिमूव करने के बाद यहाँ मैं एलोवेरा जेल अप्लाई करने जा रही हूँ अपने हाथ पे। अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है तो आप कोई सा भी मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एलोवेरा जेल अप्लाई करने के ये फ़ायदे हैं कि ये आपकी स्किन को थोड़ा ग्लोइंग भी बनाता है और ब्राइटन अप करता है। तो ये एलोवेरा जेल था जिसे मैं अप्लाई कर रही हूँ। आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से कि ये कितने अच्छे से सारे हेयर निकल गए हैं और मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो इस घर शॉप के वैक्स पाउडर के बारे में थी। इस प्रोडक्ट का बेनिफिट तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। और हाँ फ्रेंड्स, आपके मन में ये कंफ्यूजन हो सकता है कि हमें जब इस पाउडर ड्राई ऑफ हो जाए आपके हैंड पे तो उसे किस डायरेक्शन में वाइप ऑफ करना है। तो उसके लिए कोई भी डायरेक्शन आपको फॉलो नहीं करना है, आप किसी भी डायरेक्शन में अपने अकॉर्डिंगली वाइप ऑफ कर सकते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर नीचे दोनों एक साथ, क्योंकि वाइप ऑफ की डायरेक्शन का इससे कोई लेना देना नहीं है। आपकी हेयर ग्रोथ पहले की जैसे ही रहेगी, आपकी हेयर ग्रोथ में कोई भी ज़्यादा अंतर नहीं दिखने वाला है। तो फ्रेंड्स लास्ट में बात कर लेते हैं इस पाउडर को यूज़ करने के लिए जो प्रिकॉशन आपको लेनी है वो ये। तो पहला प्रिकॉशन ये है फ्रेंड्स कि आप इसे कभी भी अपने फेस पर अप्लाई ना करें। इसे अपने आप किसी भी इंटीमेट एरिया, आर्मपिट या कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, बट इसे अपने फेस पर अप्लाई ना करें। और सेकेंड प्रिकॉशन ये है कि आप इसे किसी छोटे बच्चे पर अप्लाई ना करें। जो भी जिनकी भी एज 15 प्लस है वो इसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो भी बच्चे हैं उसके साथ इसे अप्लाई ना करें। और तीसरा प्रिकॉशन ये है फ्रेंड्स कि आप जब भी इसे अप्लाई करें अपने किसी भी आर्मपिट पे या फिर हैंड और लेग पर, तो आप कभी भी इसे अपने हाथ से अप्लाई ना करें। आप हमेशा एक ब्रश का इस्तेमाल करें या फिर स्पून, स्पैचुला, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसका इजली इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रहा हो और आपके लिए ये प्रोडक्ट अच्छा रहा हो। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ इसे आसानी से परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे आगे भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस।